वेलकम बैक टू रियलिश गाइज। आज इस वीडियो में मैं अपना आईब्रो ग्रूमिंग जो रूटीन है, अपडेटेड आईब्रो ग्रूमिंग रूटीन और क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, कैसे मैं घर बैठे अपना आईब्रो शेप करती हूँ, वो शेयर करूँगी। तो ये हमने घर पे एलोवेरा उगाया हुआ है। आप चाहो तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से इसे धो लिया है पहले मैंने, ऊपर का जो स्किन है मैं उसे अच्छे से निकाल लूँगी। उसके बाद जो अंदर का पल्प है उसे मैं अपने आईब्रो में पहले अच्छे से लगा लूँगी। जहाँ जहाँ पे भी आप फेशियल रेजर यूज़ करो, कुछ एक लेयर क्रिएट कर लेना सो दैट आपकी स्किन में कटना है। मैं ना अच्छे से इसको अपने आईब्रो में पहले लगा लूँगी। ये गप का जो फेशियल रेजर है ना, वो 3 के पैकेट में आता है। मैं टैग कर दूँगी प्रोडक्ट, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और अफोर्डेबल वाला ये फेस रेजर है। मैंने यहाँ पर एक मिरर ले लिया है ताकि आसानी से हम अपना आईब्रो शेप कर सकें। सो मैं पहले ऊपर का पोर्शन जो है उसे शेप करती हूँ, उसके बाद नीचे वाले एरिया में आती हूँ। एज आई सेट की बहुत ही प्रिसाइज रेजर है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है और हल्के हाथों से अपने आईब्रो को रेज करना है। मैं बहुत दिनों से अपने आईब्रो को रेज ही कर रही हूँ। मैं थ्रेडिंग या वैक्सिंग कुछ भी नहीं कराती, और अब मैं यूज्ड टू हो गई हूँ तो मुझे कट नहीं आते। अदरवाइज आप अगर पहली बार कर रहे हो ना, तो बहुत ध्यान से करना। इस तरह मतलब देखो, क्लोज व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, बहुत ही हल्के हाथों से। और ये वाला मूवमेंट गलत है, हमेशा अपवर्ड मूवमेंट में ही आपको करना है अपने आईब्रो को रेज, ठीक है। नज़दीक से देखो आप, जो नीचे के छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो अच्छे से निकल गए। मैं बस एक्स्ट्राज ही निकालती हूँ। सेम मैं इस भी साइड पे सेम प्रोसेस फॉलो करूँगी। धीरे धीरे बिल्कुल मैं अपवर्ड मोशन पे जो एक्स्ट्रा है नीचे के वो निकालती चली जाऊँगी। और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि इस तरह आईब्रो करने से आपके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा कड़क आएंगे या बहुत ज़्यादा आएंगे, मतलब आपको बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आईब्रो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मली थ्रेडिंग से आते हैं उतने ही यू नो टाइम पे इसके भी हेयर जाते हैं। तो बीच वाला मेरा जो, क्योंकि मेरा जॉइंट आईब्रो है, तो मैं बीच का भी जो पोर्शन है ना वो भी इसी से सेट कर लेती हूँ। तो कैंची से मैं क्या करती हूँ, जो यू नो अप ऊपर की तरफ जो बढ़े हुए हेयर्स होते हैं ना, उसे मैं अच्छे से शेप कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अच्छे से वेट टिश्यू और ड्राई टिश्यू से जो हेयर्स हैं उन्हें क्लीन कर लेती हूँ। नाउ अगर आपके पास सेपरेट एंगुलर ब्रश, इस तरह का एंगुलर ब्रश जो ब्रश के किट में मौजूद होता है, या इस तरह की स्पूली, वो भी आपको किट में मिल जाएगी, या अगर आप सेपरेट आईब्रो प्रोडक्ट खरीदते हो किट में भी मिलता है, सेपरेट स्पूली भी आप ले सकते हो, उसे अच्छे से क्लीन कर लो। एवरी टाइम यू आर यूजिंग अच्छे से क्लीन कर लो ताकि पुराना कोई भी रेसिड्यू ना रह जाए। नाउ अगर आपके पास कोई स्पूली है या फिर किट वाला यूज़ करके आप अपने आईब्रो को ना पहले अच्छे से थोड़ा सा कोम्ब टाइप का कर लो, कंघी कर लो। कहीं पे अगर गैप ज़्यादा है, कहीं पे यू नो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से एरिया में आपको कितना फिलिंग करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसी ओके सो दिस इज़ अ हिलारी डोडा का आईब्रो पैलेट। ये दो साइड के जो पाउडर है वो ना ख़राब हो गए, तो मैं यही बेसिकली, मैं ये लाइट ब्राउन वाला शेड ही मुझे अच्छे से जाता है। दोनों साइड में आपको ना कोई अलग अलग कलर भी थे उसमें, या फिर आप इस तरह का कॉन्टोर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। कॉन्टोर जो कलर होता है वो भी कई बार बहुत अच्छे से आईब्रो को फिल करता है। अगर आप ब्राउन पाउडर यूज़ कर दो, जैसे कि मेरा जो आईब्रो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं है, ठीक है, नेचुरल लुक देने के लिए मैं ब्राउन पाउडर ही यूज़ करती हूँ, मुझे वही सही जाता है। नाउ मैं क्या करती हूँ, लास्ट वाला मतलब जो हमारा मिडिल पोर्शन है ना आईब्रो का, मिडिल वाले पोर्शन को मैं पहले फिलअप कर लेती हूँ। उसके बाद ये लंबे टाइप के स्ट्रोक लगाकर मैं जो बिगिनिंग वाला पार्ट है ना उसे सेट करती हूँ। इससे क्या होगा ना, नेचुरल लुक आएगा। उसके बाद आप स्पूली से अच्छे से पाउडर को स्प्रेड कर दो ताकि कहीं एक जगह पर पाउडर क्लम्पी ना लगे। अब सेम चीज़ हम दूसरे वाला आईब्रो पे भी करेंगे। देखो कितना डिफरेंस अभी से पता चल रहा है, मेरे जो आईब्रो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा बुशी नहीं है, तो मैं बहुत नेचुरल रखती हूँ। इससे क्या होगा ना, बहुत नेचुरल लुक आएगा। अगर मेकअप के बाद आपको कम लग रहा है कि आईब्रो नज़र ही नहीं आ रहा है, तो उसके बाद वापस से आप एक बार कर लो। लेकिन अगर आप शुरू में ही बहुत सारा पाउडर लगा के काला कर लोगे ना आईब्रो, तो वो बहुत स्टूपिड दिखता है, बहुत आर्टिफिशियल जोकर नज़र आता है। तो देखो वापस से हम क्या करेंगे, लंबे स्ट्रोक हम बिगिनिंग में लगाएंगे और नीचे एक लाइन मेंटेन करना। अगर आप चाहो तो पहले एक पेंसिल से भी ड्रॉ कर लेना, और अच्छे से एंडिंग जो है ना, एंडिंग में स्पूली से अच्छे से सेट कर लेना ताकि बहुत एक नेचुरल लुक आए, कहीं पे कम ज़्यादा पाउडर ना लगे। ओके, तो अब आता है स्टार प्रोडक्ट जो है ब्लू हेवन का स्कल्प्ट एंड सेट ब्राउ जेल विद विटामिन B5, बीज वैक्स एंड फाइबर्स। इसने मेरा आईब्रो गेम बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। बिल्कुल इस तरह एक वैक्सी फॉर्मेट में ये आता है, मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल लिक्विड भी नहीं है, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, पाउडर भी नहीं, मतलब बीचों बीच कुछ है। देखो अभी कितने नेचुरल तरीके से ब्राउ को सेट कर देता है, और बिल्कुल ब्राउ जो है ना आपका वहीं पर फिक्स हो जाएगा।
बहुत सुंदर लुक देता है और बिल्कुल ना मेरा जो आईब्रो है उसके कलर के साथ बहुत परफेक्ट जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, एंडिंग में इससे अपने ब्राउ को सेट कर लेती हूँ। आई रियली रियली लविंग दिस थिंग। बहुत ही अफोर्डेबल रेट में ब्लू हेवन क्या ही कमाल का प्रोडक्ट लेके आया है। सो या दिस वॉज माई अपडेटेड आईब्रो ग्रूमिंग रूटीन। कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके बताना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और रिया अनिश पे कॉन्टेंट कैसे लग रहे हैं मुझे प्लीज़ प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आई एम गोइंग टू सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।